पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कैमरा टेक्नोलॉजी ने काफ़ी एडवांसमेंट्स किया, चाहे वो 108 मेगापिक्सल कैमरा हो गया, 100x जूम, सुपर लो लाइट मोड, एस्ट्रो फोटोग्राफी, गिम्बल स्टेबलाइजेशन, मूनलाइट कैमरा। ओके, एडवांसमेंट के बारे में बात करना था, गिमिक्स के बारे में नहीं। कहने का मतलब ये कि पिछले 5 सालों में हमने इतना सारा एडवांसमेंट किया कि अगर आप टाइम मशीन बना हुए पिछले 5 साल पहले जाओगे, किसी बंदे से कहोगे कि भाई स्मार्टफोन्स 5 सालों में 60x तक जूम करेगा या फिर 108 मेगापिक्सल के कैमराज होंगे, तो वो कहेगा कि भाई तू तो हॉलीवुड मूवीज़ देखना बंद कर और रियलिटी पे आ जा। बट आज ये सभी रियलिटी है, सभी हम कर सकते हैं। बट अगर हमें एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इस स्मार्टफोन फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है, तो हमें अपर्चर के साथ खेलना पड़ेगा, जो कि आजकल लिमिटेशन, स्मार्टफोन लिमिटेशन या साइज़ के लिमिटेशन की वजह से पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे आता है Xiaomi का लेटेस्ट पेटेंट या प्रोटोटाइप, आप बता सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक कैमरा या रिट्रैक्टेबल कैमरा देखने को मिलेगा। अब इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि यार सिर्फ प्रोटोटाइप है, चलता है, बनाएंगे आज बनाएंगे कल बनाएंगे, तो बता देता हूँ जो आपके स्मार्टफोन्स में पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, ये सभी एक टाइम पे प्रोटोटाइप था या वीवो नेक्स्ट, इन सारे स्मार्टफोन्स में आता था जो लिमिटेड वर्जन्स में सेल हुआ था। बट आजकल वो रियलिटी है, सारे स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है एंड आजकल 10,000 के स्मार्टफोन में भी पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अपर्चर क्या होता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि ये आपका कैमरा मॉड्यूल है, स्मार्टफोन का कैमरा मॉड्यूल, इसके अंदर आपको सेंसर देखने को मिलता है। अभी अपर्चर ये डिटरमाइन करेगा कि कितना लाइट आपके सेंसर पे हिट करेगा। अगर आपका अपर्चर वाइड है, f2 के आसपास है, तो ज़्यादा लाइट सेंसर पे हिट करेगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे एक क्रिस्टल क्लियर इमेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लो लाइट में तो नेक्स्ट लेवल बेनिफिट्स आपको मिल जाता है, जैसे नॉइस कम से कम देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलेगा, एंड आपको जो 4-4 सेकंड के लिए कैमरा को पकड़ के रखना पड़ता है या कोशिश करते हो आप लोग पकड़ के रखने की लो लाइट मोड्स में, उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उन सब चीज़ों को ये एलिमिनेट करता है। एंड क्योंकि आपके स्मार्टफोन्स में आपको फिक्स्ड अपर्चर का लेंस देखने को मिलता है, जैसे बहुत सारे स्मार्टफोन में f1.8 से लेके f2.2 के आसपास के लेंस देखने को मिलता है, तो आप उसे वेरी नहीं कर सकते, लो लाइट के लिए कम नहीं कर सकते एंड ऑल। तो इस वजह से आप सॉफ्टवेयर चीज़ों पे रिलाई करते हो, जैसे बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको पिक्सल क्लस्टरिंग का यूज़ किया जाता है, जो एक सॉफ्टवेयर मेथड है। एंड सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप बिल्कुल बढ़िया करते हो तो नेक्स्ट लेवल रिजल्ट ले सकते हो। जैसे गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स में लो लाइट मोड्स हो गए या नॉर्मली फोटोग्राफी हो गया, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर, ऑफकोर्स हार्डवेयर उसका बहुत ही ज़्यादा ओल्ड यूज़ करते हैं, बट वो कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर पर रिलाई करते हैं, क्योंकि गूगल ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, इतना ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश करता है, तो आप एक बेटर रिजल्ट ले सकते हो। बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स जो आजकल हफ्ते में 3 या 4 स्मार्टफोन रिलीज़ करते हैं, वो ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो इस वजह से वो लोग लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिसमें आपको स्मार्टफोन को 3-3, 4-4 सेकंड स्टेडी रखना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि भाई रियलमी 7 हो गया या पोको X3 हो गया, लो लाइट में बढ़िया फोटो नहीं ले रहा है। सिंपल चीज़ ट्राई करना, एक फोटो आप हैंड से लेना एंड दूसरा फोटो सेम इमेज का, सेम लाइटिंग कंडीशन में ट्राइपॉड से लेना, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हो गए जिसे सॉल्व करता है Xiaomi का रिट्रैक्टेबल कैमरा। एंड जब आपका कैमरा बिल्कुल ऐसा रिट्रैक्ट होता है ना, तो Xiaomi के हिसाब से वो यही क्लेम करता है कि 300% ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिलेगा, सेंसर पर हिट करेगा 300% ज़्यादा लाइट। तो आप लो लाइट में भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 20% आपको शार्पर इमेज देखने को मिलेगा, मतलब इसमें ना आपको 108 मेगापिक्सल वगैरह कैमराज की भी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल आपका जो मीडियम साइज सेंसर्स आता है उसी से एक क्रिस्टल क्लियर इमेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही नॉइस कम होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट हिट कर रहा है सेंसर पे, तो आपका इमेज भी ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट है तो ऐसा एक्सटेंड होता है, इस वजह से आप थोड़ा सा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हो, या जो उसका मैकेनिज्म है उसे थोड़ा सा और इम्प्रूव या रोबस्ट कर सकते हो, तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। तो 3 एडवांटेजेस हो गया, शार्पर इमेज, लो लाइट फोटोग्राफी में बहुत सारा बेनिफिट्स, एंड एक ही लेंस है, 3-4 लेंस की जरूरत नहीं है इन सब के लिए। और फिर आपको ये भी है कि पोर्ट्रेट मोड पर भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, बट टू बी कम्प्लीटली हॉनेस्ट, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई ड्रास्टिक एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S9 काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुआ था, उसमें भी आपको वेरिएबल अपर्चर का लेंस देखने को मिलता था। मेरे को याद है जब ये लॉन्च हुआ था ना, काफ़ी लोग इसके अपर्चर का स्लो मोशन वीडियोज़ बना के डालते थे कि वो कैसे मूव कर रहा है, काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था, बट वो ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि उतना ज़्यादा
बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, अगर आप ये जैसे हमने रिट्रैक्टेबल लेंस के बारे में बेनिफिट्स बताया था ना, उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। बट वो क्या करता था ना, f2.5 से लेके f1.4 तक वेरी कर सकता था। मतलब अगर आपको सनलाइट में बढ़िया फोटोज चाहिए तो 2.4 के आसपास, अगर आपको लो लाइट में जहाँ पे वाइडर अपर्चर चाहिए, ज़्यादा लाइट सेंसर पे हिट करना चाहिए, तो 1.4 के आसपास यूज़ कर सकते हैं। तो आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बता सकते हैं, सनलाइट पे भी एंड लो लाइट पे भी। बट ये पिकअप नहीं हुआ क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, एक रिट्रैक्टेबल लेंस में जहाँ पे आपको बेटर ऑप्टिक्स मिल जाता है, उसे ये रिप्लेस नहीं कर पा रहा था। ऑप्टिक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो सोनी का एक्सपीरिया Z1 लॉन्च हुआ था। ऐसे क्या टाइम था यार, जब एक इंडस्ट्रियल लुक के साथ स्मार्टफोन आता था, जो मतलब आप हाथ में इजिली कैरी कर सकते हो, वन हैंडेड यूसेज भी कर सकते हो। आजकल ऐसा लगता है कि टीवी लेके घूम रहे हैं पॉकेट में। खैर, इसके साथ आपको मिलता था सोनी साइबरशॉट QX100 या QX10 के आसपास, वो एक अटैचमेंट था जो आप इस पर अटैच कर सकते हो एंड फोटोज ले सकते हो। अब लो क्वालिटी अटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी NFC है, उसमें भी NFC है, तो आप इसी स्मार्टफोन का एक एक्सटेंशन बता सकते हैं एंड उसमें आपको बेटर ऑप्टिक्स भी मिलता था, बेटर सेंसर भी देखने को मिलता था एंड जूम कैपेसिटी भी ज़्यादा था, तो काफ़ी यूजफुल था वो उस टाइम पे। तो सोनी ऐसे फालतू काम करता था उस टाइम पे, तो इसी वजह से मेरे हिसाब से आज गायब है। फालतू नहीं, मतलब वे अहेड ऑफ इस टाइम, काफ़ी लोग उस टाइम पे ये सब नहीं करते थे। ये कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें लाता था, जैसे ये वाटरप्रूफ स्मार्टफोन था कम्प्लीटली एंड बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कैमरा के लिए भी एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है, आप इस पर थ्रेड भी डाल के कैरी कर सकते हो, मतलब यूनिक चीज़ें ये करता था। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रिट्रैक्टेबल लेंस के लिए एंड ओवरऑल फ्यूचर ऑफ कैमराज के लिए भी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं सीरियसली लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तीन तीन चार चार कैमराज बैक में ऐड करने का, ये अभी अभी के लिए है। आने वाले टाइम में कंपनीज एक ऐसा काम करेगा जहाँ पे एक लेंस अल्ट्रावाइड का भी काम करेगा, मैक्रो का भी काम करेगा एंड वही बेटर टेक्नोलॉजी माना जाएगा। एंड ये चीज़ है ना, ये प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी या बेकार टेक्नोलॉजी आप कंसिडर करोगे एक टाइम पे। पता ना आपका व्यूज़ क्या है, आप इस टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड हो कि नहीं, क्योंकि जैसे एक कैमरा सारा काम करेगा ना, तो क्लीनर लुक आपको मिलेगा, पोर्टलेस फ्यूचर जहाँ पे आपको कोई भी पोर्ट्स नहीं है, हेडफोन जैक तक वैसे हटाया जा रहा है, स्पीकर भी आने वाले टाइम पर हट जाएगा एंड सिर्फ एक ही लेंस जो सारा काम करेगा, काफ़ी मिनिमलिस्टिक एंड क्लीन लुक आपको देखने को मिलेगा। ओपिनियंस क्या है कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।